हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बांग्लादेश के एक पेशेवर क्रिकेट लिटन दास की, जो एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1994 को बांग्लादेश में हुआ था। वह अपने असाधारण कौशल के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं और वर्तमान में बांग्लादेश राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट टीम में उप कप्तान के पद पर है। देवश्री बिस्वास सोनीचिता उनकी पत्नी है और दोनों ही इस्लामिक आस्था का पालन करते हैं। वह 2022 तक 28 साल के आयु में लिटन दास को महत्वपूर्ण लोकप्रियता प्राप्त है और क्रिकेट में उनकी उल्लेखनीय कैरियर उपलब्धियों के कारण उनकी बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं। लिटन दास एक घनिष्ठ परिवार से आते हैं जिनमें उनके माता पिता और भाई शामिल हैं। उनके पिता बच्चू चंद्र दास और उनकी माता अनिता दास उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनके दो भाइयों के नाम अज्ञात हैं, वे उनकी पारिवारिक इकाई का अभिन्न अंग हैं। लिटन दास ने 2012 में अंडर 19 विश्व कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी क्रिकेट यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने 2014 से 2015 तक नेशनल क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। लिटन दास ने 7 मैचों में 85.33 की औसत से कुल 1024 रन बनाए। उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन ने रंगपूर्ण डिवीजन की चैंपियनशिप में योगदान दिया। 2015 में लिटन दास ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कदम रखा और अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 10 जून 2015 को भारत के खिलाफ किया था। कुछ ही समय बाद 18 जून 2015 को उन्होंने भारत के खिलाफ अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू भी किया। लिटन दास ने 5 जुलाई 2015 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण करते हुए T20 प्रारूप में प्रवेश किया। दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।